गाइस, मैं हूँ स्मिता और स्मिताज किचन अरोमा में आपका दिल से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही स्पेशल रेसिपी और थंबनेल देख के आपने गेस कर ही लिया होगा। तो आज हम बनाएंगे चॉकलेट गार्निशिंग, जो कि आपको केक बनाने में बहुत ही यूजफुल रहेगा। अगर ये आपके पास है तो आपको केक ज़्यादा डेकोरेट करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक दो रिंग लगा दिए बस हो गया। तो चलिए रेसिपी की ओर बढ़ते हैं। चॉकलेट गार्निशिंग रिंग बनाने के लिए आपको लेना है डार्क कंपाउंड चॉकलेट और वाइट कंपाउंड चॉकलेट। दोनों चॉकलेट्स करीब करीब एक एक कप मैंने लिए हैं और डबल बॉयलर मेथड से आपको इस चॉकलेट्स को मेल्ट करना है। के लिए आपको लेना है एक पतीले में पानी, और जो आप ऊपर कटोरी रखोगे मेल्ट करने के लिए, उसका जो बॉटम है वो आपको पानी को टच नहीं करना है। उससे क्या होगा ना, आपकी चॉकलेट पकने लग जाएंगी और जलने भी लग सकती है। चॉकलेट को बस स्टीम पे आपको मेल्ट करना है। अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो आप माइक्रोवेव में भी चॉकलेट को मेल्ट कर सकते हो। आपको बस एक मिनट के लिए माइक्रोवेव करना है। उसी मेथड से आपको वाइट चॉकलेट भी मेल्ट करना है। तो हाँ फूडीज, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करिए, और हाँ फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलिए। चॉकलेट्स तो मेल्ट हो गए हैं, इसे 2 से 3 मिनट के लिए आप ठंडा होने को रख देते हैं। चॉकलेट रिंग बनाने के लिए आपको लगेगी OHP शीट, इसे प्रोजेक्टर शीट भी कहते हैं। ये आपको स्टेशनरी शॉप में आराम से मिल जाएंगी। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप मोटा सा प्लास्टिक भी यूज़ कर सकते हो। कोई भी पैटर्न बनाने के लिए आपको यह पाइपिंग बैग में मेल्टेड व्हाइट चॉकलेट लेना है। यहाँ आपको OHP शीट पे डिज़ाइन बनाना है। देखिए फूडीज, OHP शीट पे मैंने इस तरह की लाइंस ड्रॉ करी है। आपको जिस तरह का पैटर्न पसंद है उस तरह का पैटर्न आप बना सकते हो। देखिए मैंने यहाँ कुछ ऐसे रैंडमली कुछ बना लिया है। भी इसे थोड़ी देर के लिए ड्राई होने के लिए इसी तरह रख देंगे, या फिर आप इसे 1 मिनट के लिए फ्रिज में भी ड्राई होने के लिए रख सकते हो। ड्राई होने के बाद आपको इसमें मेल्टेड डार्क चॉकलेट स्प्रेड करना है। तो इस बात का ध्यान रखना हो, डार्क मेल्टेड चॉकलेट आपको ठंडा ही लेना है, क्योंकि अगर आप इसे गर्म लोगे तो नीचे वाला जो वाइट चॉकलेट है वो गर्मी से मेल्ट हो जाएगा। मेल्टेड चॉकलेट को आपको अच्छे से पैलेट नाइफ से स्प्रेड कर लेना है। आप यहाँ देख रहे होंगे कि मैंने OHP शीट के नीचे चॉपिंग बोर्ड लिया है, आप न्यूज़पेपर भी ले सकते हो ताकि ज़्यादा मेसी ना हो। आपको पैलेट नाइफ के हेल्प से पतली सी लेयर बनाना है। ये शीट तो कंप्लीट हो गई, इसे आप फ्रिज में 5 मिनट के लिए ड्राई होने के लिए रख दीजिए। मैंने इस शीट को 5 मिनट के बाद फ्रिज से निकाल लिया है। अभी आपको इस पर डिज़ाइन बनाना है। बस आपको यहाँ ज़्यादा कुछ करना नहीं है, वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइंस ड्रॉ करके ब्लॉक बनाना है। चॉकलेट अच्छे से सेट हो चुका है, इसलिए आपको डिज़ाइन बनाने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। एक बात का ध्यान रखना है कि आपका चॉकलेट अच्छे से सेट होना चाहिए, आपके हाथ को ना चिपके। यहाँ मैं बाउंड्रीज क्लियर कर रही हूँ ताकि आपके जो रिंग्स या फिर ब्लॉक है तो वो अच्छे शेप में आए। अभी आपने यहाँ पे जो स्क्वायर्स बनाए हैं उसके अंदर आपको सर्कल बनाने हैं, तो आपको बोतल का ढक्कन या फिर कुकी कटर आप यूज़ कर सकते हो। देखिए आप, मैं हर एक ब्लॉक के अंदर अलग अलग टाइप का कुकी कटर यूज़ करके डिज़ाइन बना रही हूँ। कुकी कटर या फिर बोतल का ढक्कन, कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हो उसे प्रेस करके यूज़ करना है ताकि लाइंस मर्ज ना हो। आप कोई भी शेप का कुकी कटर यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ हार्ट शेप का यूज़ किया है। यहाँ मैंने छोटा थोड़ा सा हार्ट शेप कुकी कटर लिया है। कोई सब करते हुए बड़ी सावधानी से करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप कुकी कटर प्रेस करते हो तो हो सकता है कभी कभी वो चॉकलेट उसको चिपक के बाहर आ जाती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब बची हुई स्पेस जो है शीट पर, वहाँ मैं ट्राइंगल कट कर रही हूँ। किस तरह लाइन्स ड्रॉ करी है मैंने, आप देख लीजिए। देखिए इस तरह बाउंड्रीज क्लियर करने के लिए, स्ट्रेट करने के लिए मैंने जो आउटर लाइंस खींची थी, बाकी चॉकलेट भी आप काम में ला सकते हो। जब भी आप पैटर्न से चॉकलेट निकालोगे तो ज़रा आराम से निकालना है आपको, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होती है।
देखिए कितना सुंदर हार्ट शेप निकल के आया बाहर, और जो मैंने छोटा कुकी कटर यूज़ किया था वो भी छोटा हार्ट आ गया है। ये जो पैटर्न्स है मैं निकालते जा रही हूँ, आपने एक बात ऑब्जर्व करी होंगी कि यहाँ उस पर कितनी शाइनिंग आई है। ये सब OHP शीट का कमाल है। OHP शीट यूज़ करने का वही एक रीज़न होता है कि जैसे चॉकलेट गार्निशिंग पे शाइनिंग आ जाती है। यहाँ मैं आपको एक दूसरा पैटर्न बताने जा रही हूँ, कर्ल्स जिसे बोलेंगे। ये तो जैसे सर्कल, स्क्वायर, ये सब पैटर्न हो गए। मैं दूसरे टाइप के आपको पैटर्न बताने जा रही हूँ। व्हाइट चॉकलेट पाइपिंग बैग में भर के आपको ऐसे डॉट डॉट OHP शीट पे लगाना है और उसे पैलेट से थोड़ा प्रेस करना है। व्हाइट चॉकलेट के सेट होने के बाद आपको उस पर डार्क चॉकलेट स्प्रेड करना है। चॉकलेट की शीट 1 मिनट के लिए फ्रिज में रख सकते हो, या फिर ऐसे ही बाहर आप 4 से 5 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख सकते हो। तो डार्क चॉकलेट की परत बहुत ज़्यादा मोटी नहीं लेनी है, अच्छे से आपको स्प्रेड करना है। स्प्रेड करने के बाद आपको इसको 5 मिनट के लिए सेट होने के लिए रखना है। डार्क चॉकलेट आपको रूम टेम्परेचर पर लेना है, अगर गर्म रहे तो निचली वाइट चॉकलेट मेल्ट हो सकती है। लाइंस खींचते वक्त आपको स्क्वायर नहीं रेक्टेंगल कट करना है, देखिए इस तरह। अपने रेक्टेंगल कट करने के बाद मैं फिर आप उस रेक्टेंगल के अंदर एक लाइन खींच रही हूँ, देखिए किस तरह। मैंने यहाँ बेलन लिया है और बेलन को रोल करते जा रही हूँ, देखिए किस तरह। इसकी जगह आप बोतल या फिर कोई रॉड होगा तो वो भी यूज कर सकते हो। रोल करने के बाद आपको रबर बैंड से पैक कर लेना है। 3 से 4 मिनट के लिए फ्रिज में आपको सेट होने के लिए रखना है। 4 मिनट बाद मैंने इसे फ्रिज से बाहर निकाल लिया है, देखते हैं किस तरह सेट हो गया। आपको इसे एकदम से आराम से निकालना है, देखिए कैसे OHP शीट अलग से निकल के आ रही है, चॉकलेट अलग हो रहा है। वाह, बहुत ही सुंदर कर्ल्स निकल के आ रहे हैं, देखिए। और जो आपने वाइट चॉकलेट पहले डाल दिया था, उसके डॉट्स डाले थे, वो कितने सुंदर लग रहे हैं आप देख सकते हो। शाइनिंग भी बहुत आई है, देखिए यही OHP शीट का कमाल है। हाँ, आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ, अगर आप ये चॉकलेट गार्निशिंग के लिए पैटर्न कर रहे हो तो आपको फ्रेश चॉकलेट ही लेना है, रखी हुई चॉकलेट यूज़ नहीं करना। इतनी सुंदर चॉकलेट गार्निशिंग तैयार हो गई है। तो चलो ऐसी नई रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।